प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के लिए बिना भेदभाव के लगातार काम कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में देश का परचम लहराने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदेश सरकार कर रही है सम्मान। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए खेल पॉलिसी बनाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है और उनको बहुत मान सम्मान दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय में जो खेल बजट था और हमारी सरकार के समय में उससे 2.5 गुना ज्यादा बजट है और उनकी सरकार के समय में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन बीजेपी सरकार हर खिलाड़ी की चिंता कर रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया है। सरकार ने पहले पॉलिसी बनाई ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भेदभाव ना हो। जिस लेवल का खिलाड़ी है उसके हिसाब से उसको नौकरी इनाम दिया जाएगा और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए उनको तैयारी के लिए दिए थे ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें। रवि दहिया भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आए। सरकार ने उनको 4 करोड़ रुपए, एक नौकरी और एक प्लॉट देने का निर्णय लिया है। ऐसे ही पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनको भी 2.5 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं और सेकंड क्लास नौकरी देने की घोषणा की है। वहीं महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी 50 लाख देने का निर्णय सरकार ने किया है। सभी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं की। जो बजट पिछली सरकारों में रखा जाता था उससे कई गुना बजट अब की बार खिलाड़ियों के लिए रखा गया था। हरियाणा सरकार ने 600 व्यायामशाला खोली है। सरकार हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। सर, हमारे प्रदेश के खिलाड़ी जो है ओलंपिक में पूरे देश का परचम लहरा रहे हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार क्या करती है? हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को बहुत मान सम्मान दिया। जहाँ पहले सरकार ने एक पॉलिसी बनाई उसमें ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना, इस जिस लेवल का खिलाड़ी होगा उस प्रकार की उसको नौकरी, उस प्रकार का उसको इनाम जो दिया जाएगा वो एक फाइनल कर दिया कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। ऐसा ना हो कि अगर वो सरकार के नज़दीक है तो ज़्यादा मिले और सरकार के नज़दीक ना हो तो कम मिले। इस प्रकार का कोई उसके ना एरिए का उसके साथ कोई भेदभाव होगा, ना जाति का कोई भेदभाव होगा, कोई वर्ग का भेदभाव होगा। खिलाड़ी खिलाड़ी है, सारे के सारे खिलाड़ी हरियाणा के, उन्होंने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई, उसका बड़ा भारी लाभ मिला। और अब की बार जैसे ही ओलंपिक आया, ओलंपिक से पहले हमने हर खिलाड़ी को 5-5 जो ओलंपिक में जाने वाले लोग खिलाड़ी थे उनको 5-5 लाख रुपये हमने तैयारी के लिए, ताकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको बजट की समस्या रहती है तो हमने 5-5 लाख उनको दिए ताकि वो उनकी तैयारी में कोई किसी प्रकार की कमी न रहे। अभी जिस प्रकार से रवि दहिया जी हैं जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं तो उनको 4 करोड़ देने का काम सरकार ने किया और क्लास वन की नौकरी देने की बात भी है, प्लॉट देने की बात भी है। इसी के साथ जो हॉकी में हमारे खिलाड़ी थे उनको भी सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए दिए और सेकंड क्लास नौकरी का घोषणा की है। और जो हमारी महिला खिलाड़ी थी, 9 खिलाड़ी की बार हमारे यहाँ से गई थी तो उनको भी हमने 50-50 लाख रुपये देने का काम किया। इस प्रकार से सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी और उसकी तैयारी के लिए भी जो काम वर्तमान सरकार ने किया वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है। जितना बजट जहाँ पहले रखा जाता था उससे लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बजट है। जो पिछली बार एक 162 करोड़ रुपये का बजट था तो अब की बार बढ़ाया गया 394 करोड़ देने का काम सरकार ने किया। सरकार ने व्यायामशालाएँ खोलने का काम किया, 600 के करीब से व्यायामशालाएँ सरकार ने पूरे प्रदेश में खोली हैं। उसमें योग टीचर रखने का काम किया ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, उसके लिए सरकार ने रखा। तो सरकार हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए चाहे योग टीचर लगाने की बात है और चाहे खेल हो उनको प्रोत्साहन देने का सरकार ने काम किया। तो सारा डेटा आपके सामने रख दिया कि कांग्रेस से 2.5 गुना ज़्यादा हमने बजट रखा और बजट तो खेलों के लिए रखा, सारा हमने खर्च किया और जिस प्रकार से प्रोत्साहन दे के खिलाड़ियों को अच्छा माहौल दे के बिना किसी भेदभाव के, ना कि किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के आगे पीछे घूमें उसके लिए नहीं, बल्कि वो तो अच्छा प्रदर्शन होते हैं तो उनको बिना किसी भेदभाव के उनको पूरा मान सकते हैं। उसके उनके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा खोली हमने, उनके मुकाबले में तो कई गुणा ज़्यादा खोल दी हमने आप सारे उस प्रकार की सुविधाएं थी। लेकिन हाँ, उनके टाइम में तो एक था कि अगर एक प्रवर्तन हुई है उसको एक तो वो कुछ ही दे दिया उन्होंने, दूसरा है तो उसको कुछ भी दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे वहाँ। अगर एक व्यक्ति को तो आपने DSP बना दिया, दूसरे को आपने SI भी बनाया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं।
पैसे के मामले में ऐसे हैं, कुछ को मेहरबान है तो किसी को बहुत ज़्यादा दे दिए, और दिए नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं दिए, एक कतई खाली है। हमारे टाइम में ये नहीं है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, अगर खिलाड़ी अच्छा है तो खिलाड़ी मारा खिलाड़ी है, हरियाणा का खिलाड़ी है, तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए और वो चिंता वर्तमान सरकार ने की। इसमें सर विपक्ष का आरोप है बेरोजगारी बड़ी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो एक संस्था है जिसने सर्वे किया है वो संस्था 100% पॉलिटिकल काम करती है, वो राजनीति के साथ जुड़ी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी है, तो उसके सर्वे की कोई विश्वसनीयता नहीं है कहीं भी कोई विश्वसनीयता, वो उसी हिसाब से सर्वे करती है, उसी हिसाब से उसके देती है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सबने मान लिया। जो और संस्थाएँ हैं उन्होंने भी जो कहा, उन्होंने कहा 7 पॉइंट कुछ है जो बेरोजगारी है, लेकिन वो जो बता रहा है वो एकदम सत्य से दूर है। देखिए तो पहले अब ये लगाते हैं कि हमारी उनके साथ साठगांठ है, पहले वो उन पे लगाते थे कि अपना लोक दल की और बीजेपी की साठगांठ है, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि साठगांठ है, हमारी साठगांठ किसी के साथ नहीं है, हमारी साठगांठ तो जनता के साथ ही है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब वो आशीर्वाद अब भी उसी तरीके से कायम है, आने वाले टाइम में भी उसी तरीके से कायम रहेगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का पक्षपात किया लोगों के साथ, जिस प्रकार से दोनों पार्टी ने, एक ने पक्षपात का काम किया, एक ने दमघाने का काम किया, मतलब जैसे ही सत्ता हाथ में आती है तो फिर वो शासक बन जाते हैं, सेवक नहीं रहते, और जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसको सरकार भूली थी। आज वर्तमान सरकार जो है वह जहाँ मान सम्मान भी दे रही, वहाँ डेवलपमेंट भी कर रही, डेवलपमेंट भी इसे कहीं गुणा ज़्यादा करवा रही, मान सम्मान भी इसे कहीं गुणा ज़्यादा रही, तो दो चीज़ें जो चाहिए थी व्यक्ति को वो दोनों चीज़ें यहाँ मिल रही, सम्मान भी मिल रहा और डेवलपमेंट भी मिल रही। इनके टाइम में ये दोनों जिस प्रकार से था, ना सम्मान मिला था ना ही डेवलपमेंट मिला था, तो वो लोगों ने देख लिया कि यहाँ तो कुछ लोगों का है, उनका परिवार है, उनके नज़दीक के लोग हैं, उनके लिए सब कुछ है, उनकी डेवलपमेंट भी है, उनके लिए मान सम्मान भी है, लेकिन आम जनता के लिए ना डेवलपमेंट है ना सम्मान है, तो आज वो दोनों चीज़ें आम आदमी को मिल रही है, इसीलिए दूसरी बार सरकार आई और निश्चित तौर से तीसरी बार भी सरकार इसी हालात में आएगी। नहीं किसानों का तो मुद्दा है ही नहीं कुछ भी, बिना मुद्दे के अगर कोई मुद्दा बनाएगा तो फिर तो कभी कुछ हो सकता है। अब जिन लोगों की एक विश्वास है किसी पार्टी में, वो कैसे उठ के जाए बेचारे वहाँ से, अब उनके नेताओं ने उनसे कह रखा है वो तो वहाँ बैठी रहें, तो वो कोई मुद्दा उनके पास है नहीं कोई किसान का भी, आपने देख भी लिया होगा सारी जगह जो किसान भी हैं वो उसके कोई समर्थन में नहीं है बिल्कुल भी उसके, हाँ कुछ परसेंट किसान है, इतना तो आधार हर पार्टी का है ही, अब उस पार्टी के लोग वहाँ बैठेंगे वो उसको मुद्दा बनाना चाह रहे, क्योंकि मुद्दा नहीं है कुछ भी ना जी। जहाँ कांग्रेस के टाइम में इतने मुद्दे होते थे, एक भ्रष्टाचार के और दूसरे मुद्दे होते थे, कहीं लाठीचार्ज के, कहीं किस प्रकार के लोगों अत्याचार के, जमीनों में कब्जा करने के मुद्दे होते थे, तो मुद्दे तो कहीं आज है ही नहीं, तो अब जब कोई मुद्दा नहीं था तो एक ऐसा मुद्दा बनाया दिया जो किसान के हित का है, किसान के खिलाफ, क्योंकि इन्हें शुरू से किसान के खिलाफ रहे। अभी एक आदमी से किसी ने पूछा कि भाई ये आप इस पे क्या कहना चाहोगे, तो उस आदमी ने पूछा कि भाई कांग्रेस किस साइड में है, कांग्रेस के पक्ष में है खिलाफ है, उसने कहा था वो कांग्रेस तो खिलाफ है, बोले फिर तो अच्छा ही होगा, मतलब इसकी मैं तो सरकार के लोगों फिर तो अच्छा ही होगा, मतलब लोगों की भी धारणा ये है कि जो ये कहते हैं ये किसान के पक्ष के, सरकार ने जो निर्णय लिया वो किसान के।